तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेयरिंग के ऊपर। स्टेयरिंग गाड़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप सभी जानते हैं कि गाड़ी को हम कभी भी सीधी नहीं चला सकते। अगर गाड़ी हमें चलानी है तो हमें दाएं या बाएं हमेशा मोड़ने की जरूरत पड़ती ही रहती है, तो उस चीज के काम आता है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग व्हील जिसे बोलते हैं हम, इसे हम अगर राइट में घुमाएंगे तो गाड़ी राइट को जाएगी, इसे लेफ्ट में घुमाएंगे तो गाड़ी लेफ्ट को जाएगी। तो इसे कंट्रोल करने से पहले हमें इसे पकड़ना सीखना है। तो सबसे पहले अगर इसे पकड़ने की बात की जाए तो इसे पकड़ने के तीन तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, तो आप इसे एक क्लॉक मान लीजिए और 9:15 पर। दूसरा तरीका होता है 10:10 पर। और तीसरा तरीका होता है एक हाथ इस तरह से। तो ये तीन तरीके तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताएंगे और स्टेयरिंग के बारे में कुछ मिथ भी हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को पूरा। तो ये चीज समझाने के बाद अगली चीज जो आती है कि हमें गाड़ी के स्टेयरिंग को घुमाना किस तरीके से है, या इसे जो घुमाने की जो राइट टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो नए ड्राइवर्स लोग होते हैं वो कभी भी ये नहीं देखते कि गाड़ी का स्टेयरिंग कब कहाँ कितना घूम रहा है। बस उन्हें थोड़ा बहुत जो सीखते आए हैं कि हाँ गाड़ी स्टेयरिंग घूमता है, उस साइड अपने को घुमाना है, वो किसी भी तरीके से घुमाए। लेकिन सबसे सही टेक्निक जो है उसे बोला जाता है पुश एंड। सबसे पहले जब आपने गाड़ी के स्टेयरिंग को पकड़ा हुआ है तब आप इसे पुल करेंगे और इस तरीके से पुश करेंगे, तो ये गाड़ी के स्टेयरिंग ने एक राउंड मार लिया है। फिर इसे पुल करेंगे और फिर इधर पुश करेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी तरफ। तो ये जो टेक्निक है इससे गाड़ी के ड्राइवर को या फिर जो नई ड्राइवर हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा भी हो जाता है कि हाँ हमारा स्टेयरिंग कितना घूम रहा है, तब जाके कितनी गाड़ी कट रही है, और काफी एक्सपीरियंस भी अच्छा आता है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बिगिनर हैं या आप अभी अभी गाड़ी चलाना सीखे हैं तो इस टेक्निक सबसे पहले तो 9:15 में स्टेयरिंग को पकड़ें और पुश एंड पुल टेक्निक का इस्तेमाल करके गाड़ी के स्टेयरिंग को। तो अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जो आप टिप मानिए या फिर जो बिगिनर्स हैं गलती करते हैं उसका एनालिसिस मानिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो शुरू शुरू में वो गाड़ी को बहुत गलत तरीके से मोड़ते हैं। आपको दिमाग में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि गाड़ी के स्टेयरिंग को जब आप घुमाएं तो जो मैंने आपको पुश एंड पुल टेक्निक बताई है उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना गाड़ी को चला नहीं सकते या आपको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है, लेकिन अगर आप शुरू में गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं तो आपको गाड़ी के स्टेयरिंग को मोड़ते समय कभी भी क्रॉस हाथों को इस तरह की क्रॉस की पोजिशन में नहीं लेकर जाना है। अब मैं आपको फिर से एक डेमो देता हूँ।
दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो आपको स्टेयरिंग कंट्रोल करने का या गाड़ी चलाने का जो तरीका बताया है आपको काफी पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, और आपको भी गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या आप गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं या आपको गाड़ी चलाना सीखना है या आपके घर गाड़ी नई नई आई है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स और कार टिप्स या फिर उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, उनके बारे में जानकारी देता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरा वर्क अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।